चुके हैं सुबह सुबह, जैसा कि आप लोग पता है कि 4 बजे उठ जाते हैं, तो 4 बजे नींद खुला था, 4:05 में नींद खुला था, लेकिन बेड से उठे 4:10 में। बाकी अभी ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, लेट ही किया, आधा घंटा लेट, फूल वूल तोड़ लिया उसके बाद। बाकी मेरा आँख देखिए सूजा हुआ है ना, क्योंकि हम बहुत कल रोए थे, आपको आगे हम ब्लॉग में बताएंगे कि क्यों रोए थे। तो चलिए जाते हैं, अभी नहाते हैं और नहा के मिलते हैं। नहीं, अभी साड़ी निकालना है पहनने के लिए, अभी क्या पहने। चलिए पहले साड़ी निकाल लेते हैं उसके बाद। सो गाइज, पहले हम अष्टमी के लिए दूसरा साड़ी रखे थे निकाल के पहनने के लिए, लेकिन अष्टमी के दिन न्यू नहीं पहन सकते थे। इस बार अजीब हुआ है कि अष्टमी नवमी एक दिन मतलब पड़ रहा है, तो इस वजह से कन्फ्यूज़न हो गया था। तो फिर हम इसलिए यहाँ पे कपड़ा निकाल रहे थे, मतलब साड़ी। तो आज देखें कि आज कौन सा डे है, मतलब कौन सा कलर पहनना है, तो उसमें पिंक कलर था, तो हम पिंक साड़ी ढूंढ रहे थे। मेरे पास पिंक साड़ी बहुत कम है, तो ये वाला मिला, तो हम यही सोचे कि पहन लेते हैं। इसका पेटीकोट वगैरह सब कुछ निकाल रहे थे, तो इसमें देखे कि बांधने वाला ही नहीं है, तो फिर हम दूसरा पहन लिए। फिर रेडी होके आ गए हम यहाँ पे, मतलब पूजा रूम में, और जितना भी साफ़ सफाई करना था वो किए। और सोचे थे ना पहले कि पूजा मतलब करके जाएंगे, पूरा पूजा करके जाएंगे, तो हो भी गया था, उतना लेट नहीं हुआ था। लेकिन आरती हम फिर आके किए थे मंदिर से आके, तो यहाँ पे सासू माँ सब कुछ दे रही थी फल वल, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। हम लोग घूम के आए थे ना, तो करीब 1:30 बजे सोए थे, 1:30-2 हो गया था सोने में, क्योंकि हम लोग गए थे पंडाल मतलब घूमने के लिए। नहीं नहीं, इस दिन नहीं गए थे शायद, याद भी नहीं मेरे को यार, कितना भूलने लगे हैं। इस दिन शायद नहीं गए थे, इससे एक दिन पहले ही गए थे, ये तो दूसरे दिन का है, तो इस दिन नहीं गए थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो इस दिन शायद हम उठ गए थे, टाइम पे ही उठ गए थे, बस थोड़ा सा लेट हुआ था, इसलिए आरती हम आके किए थे। उस दिन तो हम पूजा भी घर आके किए थे, जिस दिन हम घूमने गए थे आई थिंक। और आपको पता है कि सासू माँ पूजा नहीं कर रही हैं, तो पूरा पूजा मेरे को करना पड़ा है पूरा विधि से, नहीं तो ऐसे ना सारे भगवान जी लोग को बस हम अगरबत्ती दिखा देते थे, मतलब धूप बत्ती, और दुर्गा माँ को पूरा विधि से करते थे, और सासू माँ पूरा विधि से पूरे भगवान जी लोग का कर देती थी, तो जल्दी जल्दी हो जाता था। लेकिन अभी पूरे भगवान जी लोग का भी और दुर्गा माता का भी विधि से पूजा हम ही कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है थोड़ा सा करने में। और किचन में भी लेट पहुंच रहे हैं, सासू माँ सब्जी बना दे रही हैं तो हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है ना सब कुछ करने में, भोग लगाए रहते हैं, उसको हटाने में, सब कुछ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और बर्तन भी धोना रहता है पूजा रूम का, वो सब करने में भी टाइम लग जाता है। बाकी ये लुक भी कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, अभी अच्छा से तो ये लुक नहीं दिखा है, आगे और ब्लॉग में दिखेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे सासू माँ से कुछ कुछ बात भी कर रहे थे और पूजा भी कर रहे थे, और आज मंगलवार भी था, तो सोचे कि आज हम पढ़ेंगे। मंगलवार था, हमको लगा मंगलवार है, शायद बुधवार ही था। आप लोग भी सोच रहे हैं कितना कन्फ्यूज़न में हम कर रहे हैं ना, ओवर वॉइस, पता है मैम नींद में है, सच कहें तो मेरे को इतना नींद आ रहा है ना, नींद पूरा नहीं हो पा रहा है। दसवीं के दिन हम एकदम सोने वाले हैं और उठने वाले हैं एकदम लेट, क्योंकि उस दिन संडे पड़ेगा और हम एकदम लेट उठेंगे पूरा नींद पूरा करने के बाद, क्योंकि जब से नवरात्रि स्टार्ट हुआ है ना हम लास्ट 4 घंटा सोए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा, इससे ज़्यादा सोए ही नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसा महसूस होता होगा मेरे को, जो लड़की को नींद पूरा ना हो तो तबीयत ख़राब हो जाता है, वो बस दुर्गा माँ के लिए जग रही है, नहीं तो और सच्ची मेरा शरीर नहीं चलता, अभी भी सुस्त धीरे धीरे होने लगा है। तो यहाँ पे पूजा पाठ पूरा हुआ, भगवान जी लोग का कर दिए, फिर इधर मतलब करना था दुर्गा माँ को, फिर हम यहाँ पे आ गए दुर्गा माँ को पूजा करने के लिए। और ये सारी चीज़ें बहुत याद आने वाली है गाइज, बहुत ज़्यादा ही याद। तो यहाँ हम पूजा स्टार्ट कर दिए दुर्गा माँ का, तो ब्लॉग को एंड तक देखिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बोले हैं कि हम क्यों रोए हैं, तो हम आपको आगे बताएंगे। हाँ,
फिर पूजा हो गया और यहाँ पे मंदिर जाने का तैयारी कर रहे थे, बस दुर्गा माँ का आरती नहीं किए थे क्योंकि मंदिर से आवाज़ आने लगा था जाने के लिए, आवाज़ मतलब कि वहाँ पुष्पांजलि और सब कुछ होने वाला था, तो इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से देख रहे थे क्या क्या ले जाना है, तो वो सब कुछ निकाल रहे थे और फिर यहाँ पे निकल गए मंदिर जाने के लिए। और देखिए हम लोग पूजा किए, तो यहाँ तक अनजान थे कि वीडियो बन रहा है, जैसे देखे शिवानी वीडियो बना रही है तो मेरे को हंसी आ गया। तो आज हम शिवानी को भी सुबह सुबह उठा के लेके आए थे मंदिर, क्योंकि वहाँ पे अकेले मंदिर नहीं जाती है, हम थे तो चली जाती थी आरा, बट हम मेरा शादी हो गया ना तब से वो नहीं जाती है, तो हम उसको भी लेके आए कि वो भी पुष्पांजलि आरती सब कुछ कर लेगी यहाँ पे। यहाँ पे पुष्पांजलि के लिए हम लोग फूल ले लिए थे, अड़हुल का और श्रृंगार फूल का, तो यहाँ पे हम लोग सब लोग पुष्पांजलि करने वाले थे। और यहाँ पे आज भी बहुत लोग थे, धीरे धीरे बहुत लोग आने लगे हैं, तो पहले हम लोग बस 3-4 लोग रहा करते थे मंदिर में। मम देव देव सर्वभूतेषु संतुं संसार नमस्तस्यै। फिर यहाँ पे दुर्गा माँ को पुष्प चढ़ाने के लिए जा रहे थे और यहाँ पे अंकल हैं, उनको हम बोले कि मेरी बहन आई हुई है, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी एकदम सगी बहन है, वो पूछ रहे थे एकदम सगी बहन हो, हम बोले हाँ, बोल रहे हैं एकदम शक्ल नहीं मिल रहा है, तो हम तीनों भाई बहन का शक्ल नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों, हम तीनों लोग को देख के कोई नहीं बोल सकता ना कि हम तीनों मतलब एकदम सगे वाले भाई बहन हैं। तो यहाँ पे हम पुष्प चढ़ाएँ और प्रणाम किए दुर्गा माँ को, और बहुत अच्छा लगता है हमको सच्ची, यहाँ पे जाते हैं उनको प्रणाम करते हैं माथा टेकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे अंकल बोले ना शिवानी को भी कि तुम भी जाओ चढ़ा लो, तो शिवानी भी यहाँ पे गई, ये तो बहुत शर्माती है, तो यहाँ पे वो भी प्रणाम की दुर्गा माता को, आशीर्वाद ली, और बहुत खुशी मिला होगा उसको भी कि वो गई, क्योंकि नवरात्रि में घर पे ही पूजा कर लेती है, होता है ना अकेले कोई नहीं जा पाता है, तो वही बात है। तो यहाँ पे फिर एक इस तरीके से अंकल बोले एक फ़ोटो क्लिक करवा लो, तो ऐसे खड़ी हो गई अंकल के बोलने पे। फिर आ गए थे हम घर, घर आने के बाद यहाँ दिया में तेल जला रहे थे, जो अखंड ज्योत जलाए हैं उसमें, और बहुत देख रेख करना होता है, दिन भर में 4-5 बार देखना होता है, बार बार मतलब ध्यान ही उधर रहता है कि बार बार देखें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल देने शिवानी जा रही थी यहाँ पे, तो सूर्य भगवान को जल दी, तो हम तो बोले हम पूजा कर लिए हम भी दे, तो बोली हाँ दे सकती हो बाद में भी, कोई ये नहीं है, क्योंकि हम अगर उठते हैं हम लोग जाते हैं ना तो बहुत एकदम अंधेरा रहता है सुबह सुबह, तो हम छत पे नहीं जा पाते हैं, मेरे को डर लगता है, तो हम नीचे ही अपना पूजा कर लेते हैं। तो आज शिवानी बोली तो हम भी आज जल दे दिए छत पे जाके इस तरीके से यहाँ पे, और बहुत मतलब शिवानी बहुत कुछ बताती है कि कैसे क्या पूजा करना चाहिए, हम तो अभी सीख ही रहे हैं, मेरे को बहुत कुछ नहीं आता है, और शिवानी का बहुत मन लगता है पूजा पाठ में, तो बहुत कुछ जानती भी है, तो हम उसी से सीख लेते हैं। सुबह सुबह आँख फूला हुआ देखो, मेरा भी सुबह फूला हुआ था, मैं तो रोई थी इसलिए फूला था। क्यों रोई थी शिवानी? मेला घूमने नहीं गई थी इसीलिए। नहीं इसके लिए नहीं, हम इसको घुमा नहीं पाए इसके लिए। क्या उल्टा बोलती है, हम आपको लगता है हम इतने बड़े हो गए और मेला नहीं घूमने के लिए रोएंगे क्या? मेरे पे इल्जाम ये लगा, हम इसको नहीं घुमा पाए, मेरे को इसका बहुत तकलीफ हुआ रात में, और हम बहुत बहुत फूट फूट के कल रोए थे, क्या ही बोले, मेरे को नहीं अच्छा लगा था क्योंकि बहुत दूर से आई थी और नहीं घुमा पाए। फिर यहाँ पे नीचे आए और आरती का तैयारी कर रहे थे हम और शिवानी दोनों मिलके, यहाँ पे आरती किए, तो यहाँ पे अच्छे से रिकॉर्ड आज हो गया क्योंकि शिवानी थी तो मेरा बहुत सारा रिकॉर्ड कर दे रही थी, और यहाँ पे ये सब फूल बहुत सारा था, उड़हुल का बच गया था, तो सारा दुर्गा माँ के पास इस तरीके से सजा दिए, और इतनी प्यारी लगती है ना उड़हुल के फूल के बीच में दिखती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। तो फिर यहाँ आरती हम किए।
आरती करने के बाद फटाफट से आ गए हम किचन में, और मेरे को अच्छा नहीं लगता सासू माँ मतलब खाना वाना बनाती हैं, तो बस तब लगता है कि कोई हेल्प कर दे जब मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मेरे को खड़ा होने का मन नहीं करता है, तब लगता है ना कि कोई कर दे। और आपको पता है उसी टाइम हम अकेले पड़ जाते हैं, जब तबीयत ख़राब होता है तो मेरे को अकेले करना पड़ता है, पता नहीं क्यों ऐसा क्या किस्मत है मेरा। तो यहाँ पे सासू माँ सब्जी बना दी थी, यहाँ पे हम आटा गूंदने जा रहे थे कि रोटी बना दे जल्दी जल्दी से। और बताइएगा बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब नीड ना हो ना तो बहुत लोग साथ होते हैं, और जब नीड हो तो कोई साथ नहीं होता, आप खुद को अकेले ही पाते हैं। मेरे साथ अक्सर होता है कि हम ना जब उदास हो, जब कुछ हो, जब लगे कि कोई मेरे साथ रहे तो कोई साथ नहीं रहता, पता नहीं क्यों, मतलब ये किस्मत किस्मत की बात होती है या भगवान स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि अकेले ही रहना सीखना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसे मतलब सासू माँ हेल्प करती हैं, और जब मेरा तबीयत ख़राब होता है ना तो मतलब वो बिजी रहती हैं कोई कोई काम में, मतलब दूसरे काम में, तो नहीं हो पाता हेल्प। उसके बाद यहाँ पे पापा को चाय दिए जल्दी जल्दी से बना के, कि मतलब चाय पापा को आदत है सुबह सुबह पीने का। और मेरे पापा का ये सारे पता है क्या है कि अगर यहाँ आएंगे तो कोई भी चीज़ मांगते नहीं है कि मेरे को, जैसे कोई कोई होता है ना कि टाइम पे मेरे को ये चाहिए टाइम पे वो चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो। तो मेरे को ना अगर ये बोलते हैं कि बहुत थक जा रही हो तो बोल रहे थे दोपहर में भी खाना मत बनाओ, ऐसा सोचिए क्या बोले हम। और यहाँ पर हम उन्हीं के लिए रोटी बना रहे थे, तो मेरे को सुन के एकदम अजीब सा लगा, धक्का टाइप, कि मतलब कितना सोचते हैं ना मेरे बारे में, कि जब वो अचानक से बोले ना कि सुबह सुबह उठ जा रही हो, आराम भी नहीं कर रही हो, एकदम आँख देख के लग रहा है कि तबीयत ख़राब होगा, तो हम दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वैसे भी मेरे को भूख नहीं लगता है, रोटी बना के रख दो ज़्यादा वहीं हम खा लेंगे। तो सच्ची मेरे को लगा कि माँ बाप से ज़्यादा कौन आपको प्यार कर सकता है, दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता है, मतलब इतना तो है। आप लोग भी ये महसूस करते होंगे, हम भी ये महसूस करते हैं, कितना भी रिश्ता आपको मिल जाए, कोई भी मिल जाए दुनिया में, लेकिन वो लोग से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। गाइस मंदिर से आ गए घर, और नाश्ता वास्ता भी बन गया, सासू माँ सब्जी बना दी थी और हम रोटी और पराठा बना दिए, और आखिर लेके भी नहीं गया लोग टिफ़िन, सारा बच गया ऐसे ही, और मेहनत भी बेकार गया। फिर अभी पापा के लिए रोटी नहीं बनाए हैं, वो बनाएंगे, बाकी अभी हम छत पे आए हैं एक दो वीडियो बनाने के लिए। और वैसे क्लिप आप लोग इससे पहले ही देख लेंगे, जो पापा को नाश्ता दिए और पापा खिलाएंगे, तो वो सब हम पहले ही डाल देंगे, क्योंकि छत पे ही रहते हैं ना तो सोचते हैं कि बात लास्ट में करेंगे और वीडियो एंड भी कर देंगे इसीलिए। और आप लोग सोच रहे होंगे, थंबनेल भी देखे होंगे, तो बहुत लोग जो मेरे से प्यार करते हैं परेशान भी हो रहे होंगे कि आखिर हम क्यों रोए थे, क्यों मेरा आँख सूजा हुआ था। तो क्या हुआ ना कि आपको पता है कि पापा और सीमा ने आए हैं इतने दूर से, तो मेरे से मिलने ही आए थे, वो पहले ही आ रहे थे, नवरात्रि के पहले ही आ रहे थे, तो हम बोले थे कि नवरात्रि में ही आइएगा, तो फिर पापा बोले कि नहीं नवरात्रि के बाद आएंगे, कोई फाइनल नहीं था आने का, बट फिर आए ना क्योंकि हम ही रोके थे, तो फिर नवरात्रि के दिन बोले कि आएंगे, तो हम बोले कि ठीक है, हम खुश हो गए थे कि घुमा भी देंगे, तो वो एक दिन के लिए ही आ रहे थे यहाँ पे, और हम जिद करके रोके ना कि नहीं दो दिन घुमा जाएगा दो दिन, क्योंकि यहाँ पे 2 साल मेरा शादी किए हो गया, हम लोग षष्ठी सप्तमी अठवीं नहीं घूमते थे, हम लोग नौवीं, अगर नौवीं नहीं घूमते थे दशहरा, 3 दिन तो एकदम फिक्स रहता था घूमने का, बट इस बार पता नहीं क्यों एक ही बार हम लोग घूमे। और फिर कल हम लोग जाने वाले थे गोल पहाड़ी ही, क्योंकि हम ही जिद करके रोके थे, तो मेरे को बहुत रोना आ रहा था कि मतलब वेस्ट गया टाइम, इससे बढ़िया था कि पापा अपना काम करते, वहाँ काम उनका बहुत छूटता है, और मेरे वजह से मेरे जिद के कारण रुक गए और आखिर घूमे भी नहीं, तो वो चीज़ बहुत मेरे को अजीब सा बॉदर करने लगा था। और इतना रोए रात में ना, इतना रोए, मेरा पूरा आँख सूज गया था, मेरे को बहुत अजीब लग रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था। शिवानी बोली पागल हो क्या, क्या हो गया, शिवानी को मैंने और नहीं हम घुमा पाए, क्योंकि वो उस दिन तबीयत ही ख़राब हो गया, तो हम सोचे कोई बात नहीं। और मेरे पापा सोच के आए थे कि ठीक है 2 दिन घूमेंगे, क्योंकि पिछले साल भी पापा आए थे वो 2 दिन घूमे ही थे, तो हम वो सब चीज़ देख रहे थे ना कि पापा एक और कपड़ा लेके आए थे अपना घूमने के लिए। पता नहीं बहुत लोगों को ये ओवर रिएक्ट लगेगा, मेरे को छोटा छोटा चीज़ बॉदर करने लगता है, मतलब अजीब सा फील लगने लगा, और हम बहुत रोए।
कोई बात नहीं, आज हो सके ना तो हम पापा को दिन में लेके जाएंगे, हम ही एक गोल पहाड़ी घुमा देंगे, एक बर्मा में जो मेला लगता है वहाँ घुमा देंगे, दो जगह आज घुमा देंगे, तो थोड़ा मैं सुकून से जिएंगे, नहीं तो मेरे एक बोझ रह जाएगा मेरा यहाँ अगर हम नहीं घुमा पाए तो। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके शेयर, और ये लुक कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी।